Let me do one. Let me do one. What's the matter? जी मीर साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि शाजिया मंजूर जी जब भी पब्लिक डिमांड शो में आई हैं तो वो कभी ना कभी की शाउट करती हैं और कभी गुस्सा दिखाती हैं, तो यानी आप इल्जाम लगा रहे हैं कि पिछले पब्लिक डिमांड में वो आई जी और उन्होंने शाउट किया शहरी नन्ना की किसी बात पे, गुस्सा किया जी। वो आप ये मेरा ख्याल कहना चाह रहे हैं कि हम अनूरा करते हैं, प्लांटेड करते हैं, स्क्रिप्टेड करते हैं जी सर, बहुत सारे लोगों का ये, उससे फिर टीआरपी आती है जी। और इस दफा भी जो प्रोग्राम ये जो आज रात चल रहा है 11 बजे, उसमें भी आप, मैं ये देख रहा हूँ मीडिया में ये आ रहा है कि जी आपने प्लांटेड किया ये वो। अच्छा, एक तो बात ये है कि जो इस तरह का रिएक्ट करते हैं ये होते हैं सियासी मुखालफीन, जो आपके मीडिया में मुखालफीन होते हैं उनका होता है, बाकी आम जो लोग होते हैं उनका कोई सरोकार नहीं होता इनसे कि वो किसी को हार्ड वर्ड्स में कोई रिएक्ट करें या गालियां निकालें ये वो करें। तो मैं ये अर्ज करूं कि ये प्रैंक जो है, प्रैंक और इस तरह की एक्टिविटी जो है मॉडर्न वर्ल्ड में ये डेवलप हुआ है कि ये अलहदा एक जॉनरा है। सबसे बड़ा प्रैंक जो है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने किया टर्मिनेटर, और टर्मिनेटर का गेटअप करके ही वो हॉलीवुड की सड़कों पे आए और उन्होंने प्रैंक किया, नहीं है खुदा ना खास्ता। तो शहरी नन्ना के मुंह से स्लिप ऑफ टंग होता है, बाज़ औक़ात वो आउट ऑफ स्क्रिप्ट बोलता है तो एक सीन क्रिएट हो जाता है। लेकिन शहरी नन्ना मेरा फेवरेट आर्टिस्ट है और बहुत अच्छा करता है। आप पहले इसको आज देख लें, फिर इस पर बात करेंगे कि ये सीन क्रिएट किस तरह से हो गया, सही और सही था जाली था, मैं आपको बाद में बताऊं। शादी के बाद मैं आपको डायरेक्ट हनीमून के लिए मोंटी कार्लो ले जाऊंगा, और ये बताएं कि आप किस क्लास में बैठना पसंद करेंगे। वैसे एक बात है, तो बंदा है थर्ड बगैर लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, सबको ये लगा था प्रैंक, आप लोगों को प्रेशर डाल रहा, मैंने कहा था इस तरह तो हनीमून की बात कर रहा है, शर्म नहीं आती बुलाए किसी को, मैं समझती है ना प्लीज। क्या मतलब आपका हनीमून, व्हाट डू यू थिंक आपा जी, प्लीज नहीं, मतलब मतलब क्या है, मतलब क्या है, मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हैं आप जी, प्लीज कहना क्या, सॉरी कहते हैं यार, सॉरी कर, आप कहना क्या चाहते हैं मुझे, वेरी सॉरी कहते हैं यार, सॉरी नहीं क्या चाहते हो आप, प्लीज आप कहना क्या चाहते हो, बस बस सुनो तो आप, बस बस मुझे नहीं, आपको पता ही है ये बातें करने वाली आपकी, हनीमून की बात करते किसी खातून के साथ अपने से लाइनें ना बोला कर भाई, तू जो स्क्रिप्ट में लिखा था वो बोल लिया कर यार, एक और शकीर भाई बताए, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट की बात नहीं तो मैं कौन हूँ, अरे बता तू किसी का, नहीं 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 मौजूद है, मतलब नहीं 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 मालूम है, मतलब नहीं होता सर, वो वैसे ही उन्हें अपने में इंटरेस्ट, आज ऐसे मुझे नहीं बुलाना इस शो में, ये बंदा होगा तो मैं नहीं आऊंगी, तुम्हें बता दूं मैं ठीक, ये नहीं मीर साहब आपको, अच्छा चुप कर जा रहा तू, अगर एक आधी लाइन मेरे अपने आपसे बोल दूं तो क्या, अगर बंदा अपने से लाइन बोल देते तो क्या हो गया, आपसे बकवास ना कर, बाजी भाई सुने, भाई सुने, भाई सुने, भाई तमाशा बनाया मेरे लोगों ने, लेकिन कोई भी भाई अपनी बहन को ये नहीं कहता मैं हनीमून में तुम्हें कौन सी क्लास में तुम बैठना चाहती हो, क्या मतलब है इस चीज का,
मन करो ये काम ना, बंद करो। फिर बाद में लोग कहेंगे प्रैंक हो रहा था, बाद में शाजिया जी ये हो गया, शाजिया जी ने वो कर दिया। बंद कर कैमरा। बंद है जी, बंद हो गया। नहीं खिलावट हो गई है, मैं थोड़ी गल बन जाती गल ते वे बड़ियां को लेती जे इस करके इंशाल्लाह नहीं इसको सब सही मैं पता ही नहीं लगी के ऑस्ट्रेलियन काउ लगते भी क्या बोला मैं कभी भी नहीं बाहर हां तुझे बाहर छोड़ हां मैं कभी भी नहीं गया बाहर नहीं चले जाएंगे दुबई एक दफा गया है इंडियन कोई प्रोजेक्ट था दुबई गया था पंकज सरस्वत से यार चल कर दे शो लेके जाना है ऐसी बार देखियो इंशाल्लाह कर दे और तुझे बाहर करके ये शो इंशाल्लाह बाहर पै रही है आप बाहर चले जा नु कह रहे हो प्लीज हेल्प पता लगे मैं न्यूयॉर्क पुलिस ने मैसेज रिसार्ट अल्लाह रिवर टेम ही छोड़ रहे ने नु और डब नहीं रहा आहो उत्ते आ रहे फुल के उत्ते ही तैर रहे मेरा दिल से घोटा रख के मारा है कल अभी पैच वर्क ही ले लेंगे थोड़ा लिहाज भी नवाजुद्दीन शहरी मजे आए मजे फ्रेंके ये क्या था प्रैंक 100th एपिसोड का प्रैंक और हम दो अगला प्रैंक होने वाला ना पब्लिक न्यूज आपने देखते रहे मैंने एक और प्रैंक किया है मोहसिन के साथ डू वॉच उसको नहीं पता इट डजंट इवन नो व्हाट इज गोइंग ऑन तो देखते रहिए बने रहिए उनको एक शख्स याद आएगा जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको बहुत कुछ याद आपका कुआ चाहता है हमारी ऑडियंस आपसे कुछ सवाल कर तू करके बात कर सॉरी सर हमारा उसमें करैक्टर ऐसा कि आई विल बी बैक